वही तो स्टोरियाँ पसंद होती हैं। एक बार बता तेरी कहानी में और सब कैरेक्टर जिनकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मूवियाँ देख रहा है भाई, डिफरेंस क्या है? तुझे कौन से भैंचो तेरे अकाउंट में 40 करोड़ रुपये कल डालने वाला है कोई? और लौंडे क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया? मजे कर रहे हो? यार आज मैं तुमसे एक बात करने वाला हूँ जो कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है अभी मैन सूत्रा पे उसके बारे में। द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो इज कि यार हम जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है? तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम सुबह उठते हो और सुबह उठने से शाम तक हम जितनी भी चीजें करते हैं उनमें से कितनी चीजें होती हैं जो कि तुमने खुद सोची हैं तुम्हें करनी थी, जो तुमने डिसाइड कर रखा, जो भी तुमने सोच के चल रहे थे अपनी लाइफ में कि यार मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल यार ये मेरा गोल है, 6 महीने में मेरा ये एग्जाम आ रहा है या 6 महीने में या 3 महीने में मुझे ये चीज़ सीखनी है या कुछ भी कोई स्किल है किसी भी चीज़ पे तुम वर्क कर रहे थे। और तुम्हें पता है डेली उठ के तुम्हें थोड़ा सा कुछ उसको उसमें देना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स इट, ठीक है? आपको डेली थोड़ा सा बहुत उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, बट तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वो तुम्हें भी समझ में नहीं आता। यार मैं उठता हूँ, मुझे पता है मुझे ये करना है बट मैं कर क्यों नहीं पाता, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं लाइक कितने ज़्यादा लोगों की दुनिया मुझे अपने आप से पूछते हैं कि शांत हो जाती भाई मैंने किया क्यों नहीं, क्या ये तो मुझे करना है, मैं पढ़ क्यों नहीं पाया, ये मुझे करना था, मतलब कि मैं ये क्या कर रहा हूँ बैठ के बेवकूफ़ की तरह, मैं इसमें कहाँ घंटे कर दिया। फिर मैंने फिर रोज़ फिर वही बात तुमसे बात करते हो कि ले यार मैंने आज फिर से वही काम किया। मेरा कहने का मतलब ये है दुनिया में हमारे एक्शन जो होते हैं ना उनको काइंड ऑफ हम नहीं लिखते हैं। हम इतनी चीजों में फंसे हुए हैं या फिर हमने इतनी चीजों को इनविटेशन इतना स्ट्रांग दे रखा है अपनी लाइफ में जो कि दोस्ती से लेके लड़की से लेके अपनी हैबिट से लेके सिंपली यूट्यूब सब्सक्रिप्शन से लेके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से लेके फेसबुक सब्सक्रिप्शन से लेके कुछ भी हो सकता है वो चीजें जो कि अगर चाहें तो हमारे आराम से हमारी जिंदगी का कुछ भी टाइम ले आ सकती हैं। अब इससे एक चीज समझो, तुम यू आर नॉट द एक्शन टेकर इन दैट वेरी सेंस। दीज थिंग्स कंट्रोल और ड्राइव और राइट योर स्टोरी, दैट वॉज माई पॉइंट। कहानी तेरी है दोस्त, तुम जबरदस्त कहानी भी चाहते हो, तुमने उस कहानी के जबरदस्त वो भी रखे हुए हैं मुकाम या जो माइल स्टोन्स हैं कि भाई मुझे ये अचीव करना है, ये तो करना है यार, एक दिन ये खरीदूंगा, एक दिन ये होगा साला, एक दिन ये बनाएंगे, एक दिन उस जगह पर बैठाऊंगा भाई, इतनी सैलरी होगी मेरी लाइफ में, ये चीज़ें ऑन करूंगा साला, अपने घर वालों को ये दूंगा या अपने किसी अपने लिए करूंगा या फिर समाज के लिए करूंगा, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम लोग। लेकिन तुम डेली जब उठते हो तो वो इंसान जो इसने बड़ी बड़ी बातें सोची होती है ना वो कहीं गायब हो चुका होता है, क्योंकि अगेन तुम्हारे एक्शंस अगर वही इंसान गाइड कर रहा हो तो तुम 3 नहीं 2.5 1.5 महीने में कर लोगे। तुम 1.5 महीने वो चीज़ कर लोगे जिसको तुमने कहा कि मैं 3 महीने मुझे लगेंगे करने में या सीखने में, जो भी हमारा एस्टिमेशन जो होता है ना बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम बनाते हैं वो। अगर एक चीज़ में ऑब्सेसिवली घुस जाओ ना तो भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अगर इंसान ने ऑलरेडी कर रखी है वो तुम ना कर पाओ। ऑब्सेशन इज ऑल दैट यू नीड, सिंपल, बैठ के बस रोज उठा के घुस जाओ चीज़ में कर लोगे। तो नहीं हो रही तो क्लियरली यू आर नॉट द राइटर ऑफ योर ओन लाइफ। ये है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ एक झटके में तुम्हारे से तुम्हारा कंट्रोल ले आ सकती है। एक दोस्त आता है वो बैठ जाता है, तुम 3 घंटे उसके साथ बैठे रहते हो, एक कॉल आ जाता है तुम सब कुछ छोड़ के उस कॉल में लग जाते हो, एक लड़की का टेक्स्ट आ गया तुम बैठ के तुमने अभी जो अच्छे खासा फोकस हो सकता है तुम मोटिवेटेड हो कुछ भी कर रहे हो तो वो छोड़ के बैठ के तुमसे चैटिंग करने बैठ गए और तुमने जब तक उठे तब तक तुम्हारा फोकस की धज्जियां उड़ चुकी थी, तुम कभी वापस काम करने गए ही नहीं। ये प्रॉब्लम है, समझे? साला एक वीडियो खोल लिया गलती से बैठे अपना काम करने, लैपटॉप पे था या फोन पे था, फोन उठा कर चलो ऐप ही देख ले क्या, तुमने बस एक सेकंड पर सोचा भी नहीं था, तुम 2-3 घंटे पहले वाले उसमें तुमने उठा के बस क्लिक कर दिया, सामने जो आया वीडियो पहला रिकमेंडेड वो तुमने कहा अच्छा ये नया वीडियो आ गया, फंसे तुम वहां से, तुमने क्लिक किया फंस गए, गए तुम फिर से। क्या हो रहा है? कोई भी चीजें जितनी भी छोटी मोटी चीजें भाई तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ये लिख रही है, ये इनको पता है। अब ये हो सकता है उनका भी YouTube कैसे मेरी जिंदगी लिख सकता है, Facebook मेरी जिंदगी कैसे लिख सकता है, भाई ये अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारी जो भी चीज़ों पे तुम क्लिक करते हो, जो भी चीज़ें तुम देखते हो, जिस भी चीज़ के ऊपर तुम हवर कर रहे हो, यू नो व्हेन यू आर हवरिंग अराउंड, तुम्हारे पास सिंपल ऐप है तुम्हारी खुली हो जिस पे तुम थोड़ा सा एक सेकंड के लिए पॉज करके थोड़ा पढ़ते हो ना, वो तब भी नोटिस होता है, तो उस हिसाब से कॉन्टेंट रीएडजस्ट होता है
कि इंसान को क्या चीज है जिसपे हल्का सा टाइम देता है, किस स्टोरी पे इसने टाइम दिया, वो ऐसी स्टोरी उसको वापस छोड़ दो। तुम्हारी दोस्ती क्या है, तुम्हारे दोस्त समझेगा तुम्हारी ड्रीम क्या है भाई, कौन समझेगा मुझे बात बताओ। कोई महसूस नहीं कर सकता जो तू महसूस कर रहा है अपनी जिंदगी में, अपने जो भी तूने प्लान बनाए भाई, वो दूसरा इंसान अगर फील कर रहा होता तो उसके सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे प्लान होते, और वो शायद अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ मिलता तो तुम लोग अपने प्लान के बारे में बातें करते, बट तुम कुछ और ही बातें कर रहे हो। लड़की को तो तुम्हारा से मतलब ही नहीं उस प्लान से भाई, उसकी अपनी जिंदगी चल रही, तुम्हारी अपनी जिंदगी चल रही है। ना ही तुम जब बातें कर रहे हो तो वो प्लान रिलेटेड है, वो उसका कोई डायरेक्शन कुछ और ही है, तो भाई तू कहां जा रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है तेरी जिंदगी। 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए मैं एक बात कहता हूं, तो उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, 7 डेज चैलेंज एक मैं तुम्हारे आई एम पुटिंग फॉरवर्ड टुवर्ड यू, टेक इट। 7 दिन का चैलेंज है, 7 दिन अपनी जिंदगी का, तुम जब सो के उठोगे तो मैं कहो आज मैं अपनी लाइफ का राइटर बनूंगा, आज जो कुछ भी होगा, अगर टाइम भी वेस्ट करना होगा लेट्स कॉल इट टाइम वेस्ट, ठीक है। तुम कह सकते हो भाई मुझे रिलैक्स करना है, 2 घंटे में आज मैं वॉक पे जाऊंगा, 2 घंटे मुझे यहाँ पे डिनर पे जाना है, फिर लंच पे जाना है, मुझे शाम को बैठ के वहां करना है, फिर मार्केट जाना है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन एटलीस्ट मेरे दिमाग से आएगा, मैं डिसाइड करूंगा बहन छोड़, मैं डिसाइड करूंगा कब मुझे अपनी गांड मरवानी है वक्त की और कब मुझे गांड मारनी है वक्त की, समझे। तुम डिसाइड करो भाई, तुम्हारे एक्शन हैं, तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम राइटर नहीं बनोगे उसके तो दूसरे लोग एक सेकंड नहीं छोड़ेंगे उसको। मेरे को अपनी लाइफ में जितने लोग भी मिलते हैं, एक बुरा मत मानना, और जो देख भी रहे हो सकते हैं मुझे जानते हो, मैं देखता हूं उनकी जिंदगी कोई ना कोई और ही चला रहा है, उनकी खुद की सोच से उनकी जिंदगी नहीं चल रही, किसी की दोस्ती की वजह से चल रही है, किसी की लड़की की वजह से जिंदगी चल रही है, किसी का कुछ है, किसी की आदतें ऐसी हैं, किसी की हैबिट बन गई, किसी की रूटीन ऐसी, और वो चीजें उनकी जिंदगी की जो चाहे जो बोल कुछ, तभी तो कहते हैं ना द होल पॉइंट ऑफ सेइंग क्या इंसान के एक्शंस और वर्ड्स में डिफरेंस होता है, वो यही पॉइंट है। वर्ड्स में आप वो बातें कर रहे हो जो आप चाहते हो लिखना, जो करना चाहते हो, एक्शंस क्या होते हैं वो तुम जिनके यू आर नॉट द फैसिलिटेटर ऑफ दैट, कोई और ही तुम्हारा एक्शंस गाइड कर रहा है भाई, वो इंसान मत बनो, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में दो। 7 दिन के लिए भाई डिसाइड करो मैं अपनी लाइफ का राइटर बनूंगा, कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं मैं 7 दिन के लिए अपनी जिंदगी में जो भी मुझे करना है, चाहे मुझे कुछ भी गोल हो, 3 घंटे भी अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं डिसाइड करूंगा, 6 घंटा पढ़ना हो तो मैं डिसाइड करूंगा, ना पढ़ पाऊं वक्त बर्बाद हो रहा है तो मैं सबकॉन्शियसली घुस नहीं आऊंगा सब आदतों में। अगर मैं पाता हूं अपने आप को बैठा हूं मैं और फिर यूट्यूब पर बैठा हूं, सडनली रियलाइज होता है यार ये तो मैंने कहां मैं तीन कहां से भी मैंने सोचा था एक वीडियो देखूंगा, उसी मोमेंट पे कॉन्शियस एक रिसरेक्शन लाओ अपनी लाइफ में, वहीं पे मोमेंटली तुम कॉन्शियस उनको हटाओ यार ये क्या कर रहा हूं, एज अ राइटर ऑफ दिस स्टोरी क्या मुझे ये करना है। सिंपल से क्वेश्चन पूछ मेरे भाई, पिछले हफ्ते की स्टोरी जो तेरी है लाइफ की, अगर तेरे को मैं लिख के दूं कि तेरी जिंदगी की पिछले हफ्ते की स्टोरी है, क्या तू पढ़ के कहेगा क्या हीरो है, ये कहेगा ये हीरो तो बहुत बढ़िया लग रहा है, या तू कहेगा यार बेकार स्टोरी है, इसमें क्या नया है, इसमें क्या बढ़िया चीज हो रही है, कोई मजा ही नहीं है, बेवकूफ वाली स्टोरी है, चूते की स्टोरी है, क्या बोलेगा तू। कौन सी मूवी हम देखते हैं भाई, अगर हम इंस्पिरेशनल मूवी देखते हैं उसमें कौन सी भाई जो कैरेक्टर जूझ रहा है, भैंचो लड़ रहा है ना, यही तो होती है कहानियां जिसमें मजा आता है, भैंचो सारे ऑड्स अगेंस्ट है उसके, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कुछ भी, वो अकेला लेकिन हारता नहीं, भूसते का लड़ा लगता लगता रहता है, और अपनी जो जुनून है उसका वो कायम रहता है, और फाड़ के एंड में वो कर देता है कुछ भी कर कर आके, वही तो स्टोरी पसंद होती है। एक बार बता तेरी कहानी में और सब कैरेक्टर जिनकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मूवियां देख रहा है भाई, डिफरेंस क्या है, तुझे कौन से भैंचो तेरे अकाउंट में 40 करोड़ रुपए कल डालने वाला है कोई, तू भी कौन सा कल कौन से भाई तू यू नो सैटेलाइट उसमें बैठ के तू उठ के ऑर्बिट में जाने वाला है भाई, क्या डिफरेंस है, तू कौन से अपने आप को उसमें समझ के बैठा है अपने कि भाई मैं अभी जो है मेरी स्टोरी वो, और ये जो मैं मूवियां देख रहा हूं इतनी भयंकर उनमें क्या बहुत फर्क है, क्योंकि मुझे काम तो करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो आराम से फेसबुक और यूट्यूब पे चिल मार सकता हूं, ये क्या सोच थी जिसकी वजह से तेरे अंदर ये चिल वाली भावना आ भी पाई कि तू आराम से बैठ सकता है, तू आराम से कुछ भी कर सकता है, ये किसने क्या मुझे बता भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या कर, कभी अपने आप को कर, बल्कि मुझे तो बिल्कुल मत कर, मुझसे क्या मिल जाएगा समझा के दोस्त। 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए, बाकी मुझे नहीं पता आगे, लेकिन 7 दिन की अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले, कंट्रोल करना स्टार्ट करो उसको, समझा मेरे भाई। 7 दिन के लिए राइटर बन, ये चैलेंज है मेरा तेरे से, एक्सेप्ट कर 7 डेज चैलेंज, कल से 7 दिन तक मैं हो सकता है रोज वीडियो बनाऊं, और ये बात पूछूं तुमने आज कितने घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया दोस्त अपनी गोल्स पे, कितने घंटे तुम कॉन्शियस रहे, और तुम इसका जवाब देना होगा दोस्त, ठीक है, हो सकता है यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम में दे देना, ठीक है, इंस्टाग्राम @ मैनसूत्रा वहां जाके दे दो दोस्त, ठीक है।
और एक और चीज करो, इस चैनल को तो सब्सक्राइब मारो ही मारो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल का पर्पस मैं अभी तुम्हें थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, बहुत बड़ा करने वाला हूं, मैं पूरा यूनिटी में लाने वाला हूं, मैं इसलिए कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा पूरा प्रोग्राम, इससे मैं आगे चल के हमारी जो कम्युनिटी या आगे चल के एज में जो प्रॉब्लम्स आती है ना साइकोलॉजिकल लोगों के, डिप्रेशन, अकेलापन, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि हमारे लाइफ में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मैं ये सॉल्व करने की पूरी मेरा होल पॉइंट इस चैनल का ये है कि मैं इतना ढंग से यूनिटी करूंगा, मैं इतना तगड़ा ही सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करूंगा अपने ही लोगों का, लाइक माइंडेड लोगों का, कि बहनचोद हम जिस भी शहर में बैठे हो तुम वहीं कनेक्ट कर पाओगे लोगों से, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, उसको बड़ा करो पहले, कि हम हर जगह हर शहर में घुस पाए, हमारी पहुँचो, हम पकड़ो हमारी, ठीक है, बड़ा करें इसको। और मेनसूत्रा जो चैनल है, बहुत एडवाइस अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ है, कुछ भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है मैंने ऑलरेडी उसमें बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ हो तुम्हारे प्रॉब्लम्स में, तो हो सकता है इसमें बनाने में अगर टाइम लग रहा है तो तुम्हें वहां मिल जाएगा, इसलिए मेनसूत्रा को भी जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्त। 7 दिन का चैलेंज, लग जाओ मेरे भाई।